हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइस यूजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह है पार्ट फोर का वीडियो। अब तक हमने तीन डाउट्स क्लेरिफाई किए। अगर आपको दूसरे भी जो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी कुछ डाउट्स है या आपको किसी एक एग्जांपल या तो जो प्रॉब्लम है आपके स्कॉलरशिप एग्जाम में, अगर उसका प्रॉपरली आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी तरह से वो एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसका आंसर किस तरह से डिराइव किया हुआ है, किस तरह से वो सॉल्व किया हुआ है। तो आप भी आपके कॉमेंट के थ्रू आप हमें क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट फोर में एक एग्जांपल देखने वाले, जो अपने पास स्टूडेंट्स है जो अपने चैनल में, तो उनका नाम है हसीना लास्कर। क्वेश्चन है, डोरा हैज रुपीज 45, सी स्पेंड्स 1/2 ऑफ हर मनी ऑन बुक्स एंड 1/3 ऑफ रिमेनिंग मनी ऑन लंच इन स्कूल, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। सेम प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मगर यहाँ पे देखेंगे अलग अलग सेंटेंस मैंने सेपरेट किए टू अंडरस्टैंड, टू क्लैरिफाई द एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन, टू सेग्रीगेट द इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से सेग्रीगेट करना पहले। ओके, तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि डोरा हैज रुपीज 45, ये पहली इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, टोटल रुपीज, तो टोटल रुपीज इज 45। ओके, ये इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन विच इज वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट। ओके, देन शी स्पेंड्स हाफ ऑफ हर मनी ऑन बुक्स। ओके, सो हाफ ऑफ मनी मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये जो टोटल है उसके 45 रुपीज ये। ओके, तो ये किसके लिए, तो ऑन बुक। ओके, ऑन बुक्स एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ द रिमेनिंग मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे ऑन लंच इन स्कूल। ओके, तो रिमेनिंग जो भी मतलब बुक्स खरीदने के बाद जो भी बचे हुए जो पैसे है उसका 1/3। अभी देखिए बुक्स के लिए कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 45, अगर हम 45 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये किसके हो गए, ये हो गए लंच। ओके, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, अभी कितने मनी यहाँ उसके पास मतलब कितने पैसे बचे हुए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हुए, ये स्पेंडिंग है ना, ये और ये दोनों के एडिशंस करेंगे और जो आंसर आएगा वो 45 से माइनस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखेंगे आप 1/3 जो हमने किया यहाँ पे 45, हमें 45 को 1/3 से नहीं करना है, यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे दिस एंड दिस एडिशंस करेंगे, तो 1/2 या तो हम 45 ही करेंगे प्लस और ये वाला। ओके, तो यहाँ पे 45 और ये 1/3 जो होगा, तो मैं यहाँ पे अलग ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, 45 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट और स्क्वेयर ब्रैकेट भी कंप्लीट। ओके, अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 1 जा और यहाँ पे 3 15 जा, ये हो जाता है 45। ओके, तो ये हो गया 15 बाय 2 हो गए। ओके, तो हम इसी को यहाँ पे लिखते थे 45 माइनस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 45 बाय 2 प्लस यहाँ पे अभी 15 बाय 2 आ जाएगा। ओके, 15 बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे आप ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है प्लस 45 प्लस 15, ये हो जाता है 60 बाय 2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 माइनस, ये हो जाता है 2, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर में सेम है तो 2 एज इट इज, 45 प्लस 15। ओके, सॉरी यहाँ पे 15 है, तो इसी को हम लिखेंगे 45 माइनस, ये हो जाते हैं 60 बाय 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे इसका, तो अभी हम यहाँ पे ये जो माइनस साइन है अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो हो जाता है 45 मतलब क्या, एग्जैक्टली 45 बाय 1 हम लिखेंगे माइनस 60 बाय 2 लिखेंगे। अभी हमें इनका दोनों का क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमें यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो सेम हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हो जाता है अपना 90 बाय 2 माइनस 60 बाय 2। ओके, तो वो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कीप इट एज इट इज, 90 माइनस 60 यहाँ हो जाते हैं 30। ओके, तो 30 बाय 2 मतलब कितना हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है आंसर 15। तो इतने रुपीज लेफ्ट विथ हर। ओके,
तो ये उसका है आंसर एग्जैक्टली कि 15 रुपीज उसके पास बचे। ओके, तो ये था इस क्वेश्चंस का, यहाँ पे लिख देता हूँ ₹15, ये था उसका क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस है या तो आपको कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए या तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो सॉल्व आउट किया, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।